तो ये यम और यमुना जी की दोनों भाई बहन थे, तो उनके चलते आप यमुना जी में स्नान और यमुना जी का पूजन पूजन और उसके लिए ऐसा भी वर्णित है शास्त्रों में, बहन के घर जाना होता है, ऐसा कुछ होता है नियम? नियम ये है, भाई बहन के घर भी जा सकता है, बहन भाई के घर भी जा सकती है, दोनों नियम है। पहले तो नियम यही था कि बहनें भाई के घर आया करती थी, शास्त्र सम्मत तो ये था। और जो बहनें आती थी तो हमारे यहाँ बहनों और बेटियों को बड़ा पूज्य माना गया कि जब, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आप तीन जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे कौन कौन से तीन जगह हैं? सबसे पहले बेटी के घर, बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप एक बिस्कुट का पैकेट लेकर चले जाए, आप एक दर्जन केला लेकर चले जाए, एक किलो मिठाई का डिब्बा लेकर चले जाए, बहन के और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप दो फूल ले लीजिए, वो लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने तो कहा ही है, पत्रम पुष्पम फलम तो एवमेव भक्ता प्रणश्यति, कोई भी फूल ले आओ, फल ले आओ, श्रद्धा से मुझे अर्पण कर दो, मैं ले लूँगा। ये नहीं कि कमल का ही फूल हो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। और तीसरा, आप गुरु के घर जाते, गुरु माने श्रेष्ठ, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, गुरु का मृत्यु जिससे हमने शिक्षा दीक्षा ली, वो भी हमारे गुरु हैं, तो हमें उनका भी आदर बहुत जरूरी है। जिनसे हमने पढ़ाई लिखाई की मिले तो उनका आदर करना चाहिए, उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनसे भी शास्त्र में कहा गया है बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बहुत सारे सुख साधन आपको बढ़ते हैं यदि हम गुरुओं से आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, रूमिंस अंधकार रूमिंस प्रकाश, यानी कि गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सात्विक अर्थों में गुरु का अर्थ ही है, वो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। आपसे, आपने जिनसे दीक्षा लिया वही गुरु नहीं है? हाँ, गुरु का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जो भी आपको ज्ञान दिया या कोई ऐसी परिस्थिति से निकाला और उसके बारे में जानकारी, तो वो गुरु के समान ही है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो दर्शक हैं पॉडकास्ट के देखने वाले, आपकी जो बात आपने बताई उसका ज़रूर उन्हें लाभ मिलेगा और इससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप भी सुखी रहे और न्यूज 18 के जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, क्योंकि न्यूज 18 एक ऐसा चैनल है जो आपके धर्म की कर्म की बातें करता है और आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी।